गाइस, ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो लग गई हूँ मैं क्लीनिंग में। और जैसे हम हाउस वाइफ की ड्यूटी होती है ना, तो हम अपनी ड्यूटी पे हम लग जाते हैं सुबह से ही तो चलिए कोई नहीं, लग जाते हैं। और ये तो देखिए हमारा ही काम है, तो पहले मैं करूँगी पहले जस्ट क्लीनिंग, फिर बाद में जो भी छोटा मोटा काम है वो करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग ही समय बड़ा होता है। और मैंने आज दोनों बेड की ना चादर भी बदली है अच्छे से करके, और अभी वो भी धुलने को है, मतलब सारा भी मशीन लगाऊंगी मैं गाइस शाम को, और देखते हैं वीडियो कहाँ तक जाता है। और मेरे बर्तन वगैरह सारे वॉश हो गए थे गाइस, तो चलिए बने रहिए अभी वीडियो में। साथ में कर लेती हूँ मैं गैस की क्लीनिंग, और इसको ना ये ग्लास है ना इस पर, तो काफ़ी अच्छी गैस है ये, तो इसको अच्छे से मैं थोड़ा लिक्विड लगा लेती हूँ नींबू से, तो मैं अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये रात को लेकर के आए थे दूध, तो वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। फाइनली मेरी क्लीनिंग होगी गाइस, और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं अपना पता नहीं क्या क्या, मतलब डॉल बना रहे हैं पेज की कोई कुछ, तो मोना आपको हाई कर रही हैं। तो चलिए गाइस मैं आ गई यहाँ पे नहा के, मतलब पूरा मेरा घर का क्लीन वगैरह सब हो गया था। और गाइस ये वाले मैंने चादर अभी दिखाऊंगी आपको, ये वाली चादर मैंने बेड पे बिछाई है, बहुत अच्छी लग रही है। तो और यहाँ पे मैं लगा लेती नेल पेंट वगैरह, और देखिए हो जाता थोड़ा सा टाइम अपने निकाल लेते, थोड़ा सा अच्छा होता है पूरे दिन, वरना लगे रहते हैं ऐसे ही। गाइस मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना दोपहर का, तो बहुत लेट हो गया था गाइस, और देखिए काम काम में घर में पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पीली दाल जो होती है ना अरहर मसूर की दाल, वो बना रही हूँ गाइस मैं, तो इसको मैं ना ऐसे बनाती हूँ। और काफ़ी ना थक गई, जैसे पता आपको तबीयत भी ख़राब है, तो देखिए होता है बच्चों के साथ ऐसा नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने पीली दाल ले लिया था, एक कटोरी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और देखिए सब्जी भी पड़ी थी रात की फ्रिज में, तो देखिए वेस्ट नहीं करती हूँ मैं, फिर भी थोड़ा हस्बैंड को ताज़ा ही देती हूँ खाना में। तो यहाँ पे मेरा खाना ही बन रहा है, यहाँ पर बच्चे हो रहे हैं हमारे। तो गाइस मेरा जो था क्लीन वगैरह सारा सब कुछ हो चुका है, और अभी मैंने खाने में बनाने रखे हैं, खाना भी मेरा बन रहा है गाइस। तो मैं चलिए आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, और बहुत दिन हो गए आपसे बातें नहीं की हैं। तो गाइस थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए थोड़ा डेली रूटीन थोड़ा सा मेरा अलग हो गया है गाइस, तो आप समझ सकते हो गाइस। तो जैसे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हाउस वाइफ के लिए, एक कोई सब कुछ संभालना, तो देखिए। और हाँ गाइस, और किस किस ने होली में इंजॉय किया ज़रूर बताना, और मैंने तो क्या बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होली में, बहुत अच्छा लगा मुझे होली में, और कभी इतना इंजॉय नहीं किया जितनी बार मैंने अब की बार इंजॉय किया था। तो और फुल काफ़ी मस्ती की हमने, बहुत अच्छा लगा। और हाँ गाइस, आप साथ एक बात सबके शेयर करना चाहती हूँ मैं, गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फुल वॉच कीजिए, और अनसब्सक्राइब और मत कीजिए प्लीज़। आपके सपोर्ट के बिना मैं कैसे आगे पहुँचूँगी, आपकी सपोर्ट तो सब कुछ है मेरे लिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो में अक्सर करते हैं ऐसा कि सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, और फिर मैं जैसे वीडियो अपलोड करती हूँ और कमेंट आ जाते हैं, प्लीज़ जितना आप कमेंट करते हैं उतना लाइक दीजिए, और लाइक के साथ अगर आप कमेंट भी देंगे तो प्लीज़ अच्छा है। और प्लीज़ आप ऐसे सपोर्ट कीजिए मुझे अच्छे से, जो मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड हैं वो मेरा ज़्यादा बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे मेरे साथ देते हैं। तो प्लीज़ मैं YouTube फैमिली से जितने मेरे फ्रेंड हैं उनसे बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जो मेरे वीडियो पे आते हैं मैं उनकी वीडियो पे चाहे अगले दिन जाती हूँ ज़रूर जाती हूँ गाइस। और तो ये मेरे चलिए होगी वीडियो की बातें, तो प्लीज़ देखिए होता है, और एक दूसरे के साथ चलने से ही सबके एक साथ मिलने से ही सब काम होते हैं गाइस। तो मैं अपनी देखिए फैमिली से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, फिर मैं
एक दूसरे से मिलकर ही ऐसे सपोर्ट की जाती है। तो मेरे फ्रेंड काफ़ी अच्छे हैं जो मेरी हेल्प करते हैं, उनके लिए थैंक यू। और ऐसे सपोर्ट करती रहिए प्लीज़। और गाइस, मैंने माही के लिए कुछ मंगाया था, तो अभी पार्सल आया था मीशो ऐप से। जैसे आपको पता है, मीशो ऐप से मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करती हूँ। तो मैंने अभी एक सूट भी मंगाया था जो मैंने अभी पहले पहना था, अभी ब्लॉग स्टार्ट जब किया था, तो वो भी मैंने वहीं से मंगाया था। गाइस, बहुत अच्छा कपड़ा है वहाँ का, आप भी ज़रूर वहाँ पर शॉपिंग कीजिए। और देखिए, ये माही का है और ये मैंने माही के लिए कुछ पार्सल मंगवाया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। गाइस, तो गाइस ये है, और बच्चों को तो होता है ना, पैक भी एकदम खोल देते हैं। देखिए, मैं इसलिए आपसे शेयर जरूर करती हूँ, क्योंकि देखिए शेयर, हर चीज़ आपसे शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने मंगाया था माई के लिए, स्कर्ट टॉप है गाइस ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कॉम्बो ऑफर था गाइस, ये मुझे दोनों पड़े 500 में, दो ड्रेस माई की। ये देखिए, ये जो ऊपर का ये गला भी बहुत सुंदर दिया हुआ उसमें, ये देखिए कितना प्यारा है। और बच्चों को भी ना काफ़ी लुक पसंद आता है ये ना, ये स्टिल तो मुझे बहुत पसंद आया बटरफ्लाई का, और मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आया गाइस। और इसके नीचे स्कर्ट है ये वाली, ये देखिए ये वाली है इसके नीचे स्कर्ट कुछ ऐसी, ये देखिए। और नीचे छाप है, मतलब चुभने वाला नहीं है बच्चों के, जैसे बच्चों के चुभता है ना कोई, जैसे कुछ डिज़ाइन वगैरह होती है बच्चों के हाथ पैर में चुभती, तो बच्चे नहीं पहनते, तो नहीं। और देखिए काफ़ी मुलायम भी है, तो मैंने माई के लिए बुलाया है मंगाया, सॉरी गाइस, तो थोड़ी सी होपलेस हो जाती हूँ गाइस, इग्नोर कर दीजिए। और मैंने माई के लिए एक ड्रेस ये वाला मंगाया है येलो में, और ये देखिए, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो देखिए ऑफ़र, जब जैसे होली चल रही, तो ऑफ़र बहुत अच्छे अच्छे मीशो में है, तो आप भी ज़रूर मंगाइए। और ये टी शर्ट है इसके अंदर की, जैसे डांगरी नहीं बोलते, डांगरी टाइप है, भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये टी शर्ट है उसके साथ, शॉर्ट टी शर्ट है ये। और अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं ना गाइस, तो बहुत ही महंगी पड़ती है ड्रेस, अगर हम सिंपल भी लें तो। ये कुछ ये है मल्टी येलो कलर में, और ये देखिए बैंडेज वाले हैं ये, इसका ये निकल गया गाइस, ये देखिए ये है ना ये। आप फुल टी शर्ट भी पहना सकते हो, आप जो लॉन्ग टी शर्ट होती है वही पहना सकते हो, शॉर्ट टी शर्ट भी पहना सकते हो। और ये बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे देखिए जेब भी दी हुई है, ये यहाँ पे जेब भी दी हुई है यहाँ पे, और बहुत अच्छी लगी है। देखिए कपड़ा भी बहुत अच्छा है ये, ये तो मुझे बैंडेज बहुत अच्छे लगे हैं ये वाले, ये बहुत प्यारे लगे हैं ये। और ये देखिए पूरा ना लेंथ भी अच्छी है इसकी, और माई को तो बहुत सुंदर लगा माई को पहनने के बाद। तो आप भी मंगाई जरूर मीशो से, मैं तो ज़्यादातर वहीं से मंगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे वहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ के। ज़्यादातर गाइस मैंने कपड़े वगैरह ही मंगाती हूँ, और केटल वगैरह मंगाई थी मैंने, तो अच्छा लगता है मुझे, आप भी मंगाइए। तो चलिए गाइस, अभी मेरा बन रहा है खाना, बच्चों को खाना खिला देती, तब साके आपसे मिलती हूँ। तो मैं यहाँ पर जीतू को गाइस सुला रही थी, वो अकेला जब सोता तो डर जाता है वो, तो वो भी सो गया, दोनों बहनें खेल रही हैं। और गाइज, इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे रहे, खुश रहे।